Hello everyone, my name is Deepak Singh and I'm a student at Nagaro, and today we are going to solve the list questions related code weekly contest 363. So in this contest questions we will solve at most two questions in this video. So now let's solve the questions. So the first question is that sum of the values of indices with a k set bits. Now let's read the question, what question means. So question karte hain. The question has sum of the value at indices with a k सेट बिट्स. सेट बिट्स मीन्स क्या होता है? बिट्स मतलब होता है जीरो एंड वन, राइट? तो सेट बिट मीन्स वन के बाद. सेट मीन्स वन. सेट मीन्स वन और अनसेट मीन्स जीरो. सो यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम एंड इंटीजर के. रिटर्न एन इंटीजर दैट डिनोट द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन नम्स हुज कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस हैव एग्जैक्टली के सेट बिट्स इन देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. द सेट बिट्स इन एन इंटीजर आर द वन एंड प्रेजेंट व्हेन इट इज रिटन इन द बाइनरी. बेसिकली एग्जांपल अगर समझते हैं, 5 का बाइनरी क्या होता है, 2 का बाइनरी क्या होता है, 103 का 11 होता है ना. सो दैट इज सेट मीन्स वन. सेट बिट मीन्स वन, जो भी बिट सेट हो वो उसमें मतलब वन हो रहा है, एंड अनसेट मीन्स जीरो. सो हम लोग क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर एक इंटीजर एरे दिया जा रहा है जो कि नम्स नाम का है, जिसमें क्या हो रहा है हम लोग साथ में एक के भी दिया जा रहा है, जो के का वैल्यू, के का कुछ इंटीजर वैल्यू है, ठीक है? और इसमें हम लोग को वह एलिमेंट को सम करना है जिसका 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 वैल्यू सेट बिट हो. सेट जैसे कि आप एग्जाम्पल में आ सके, जीरो का सेट क्या होता है, जीरो जीरो, राइट? वन का क्या वन ही होता है, टू का 10. तो आप देख सकते हैं कि इसमें जिसका इंडेसिस है, मतलब यहाँ क्वेश्चन का नाम ही कहता है सम वैल्यू, सम ऑफ वैल्यूज एट इंडेसिस, मतलब इंडेक्स विद के सेट बिट्स, मतलब उस एलिमेंट का हम लोग उस एलिमेंट को हम लोग सम करना जिसका इंडेक्स सेट में हो, मतलब उसका वन हो. अगर मैं वन की बात करूँ, जैसे इंडेक्स वन, तो यहाँ इंडेक्स वन पे क्या है, 10 है. तो 10 में है क्या, वन क्या सेट बिट में, एक 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 बिट में वन है, राइट? जैसे अगर इंडेक्स में 4 की बात करूँ, मतलब 2 है यहाँ पर, राइट? इंडेक्स 4 का होता है, 4 का बाइनरी क्या होता है, 100, राइट? तो यहाँ पे मेरा 2 भी क्या है सेट में. तो अगर मैं ऐड करूँ, तो 1 2 3 4, तो ऐड कर दो कितना हो गया 5. एंड व्हाट वी कैन ऐड हियर, सेट बिट मींस 1, राइट? तो अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो सेट बिट्स है ना, इंडेक्स 1 2 एंड 4 है सेट. अब यहाँ देखिए, 1 के पास 1 है, 4 के पास 1 है, एंड 2 के पास यहाँ पर 1 है, राइट? मतलब एक ही सेट हो जिसमें, जैसे सिंपली उसमें एक सेट हो, एक सेट में क्यों, यहाँ पर के का वैल्यू क्या है, 1, मतलब के का वैल्यू अगर 1 है तो उतना सेट में उतना 1 उसमें होना चाहिए. अगर के का वैल्यू 2 है तो उसमें उतना सेट, उतना उसमें सेट होना चाहिए. मतलब एग्जाम्पल में समझे यहाँ पर, तो अगर लाइक सपोज की, अगर मतलब एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं, एज पर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं. अगर मान लो कि जैसे कि मेरा यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर मतलब मेरा की जो है यहाँ पर 1 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे एलिमेंट उठाना जिसका जिसमें सेट का वैल्यू 1 है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जैसे 2 का बाइनरी, 2 का बाइनरी क्या होता है, आपका 2 का बाइनरी होता है 10, राइट? 2 का बाइनरी होता है 10 है ना. आपका 4 का बाइनरी क्या होता है, आपका 4 का बाइनरी होता है 100. तो आप देख सकते हैं 2 में भी कितना एक सेट है और 4 में भी कितना एक सेट है, जिनकी के वैल्यू पर 1. तो अगर यहाँ पर होता है 2, अगर सपोज यहाँ होता दो, तो हम उस एलिमेंट को ऐड करेंगे जिसका सेट 2, जिसमें एक दो, जिसमें एक 2 का पैरेंट हो, राइट? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये था. नाउ हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? नाउ सिंपली पहले हम लोग निकालना है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं सम करना है. तो पहले ये डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल रिजल्ट नाम का, सम भी कर सकते हैं. और इन मुझे इंडिसेस लेना है, इसलिए मैं यहाँ प्री ले रहा हूँ, ठीक है? और साइज निकाले तो यहाँ पर नम डॉट साइज, ठीक है, ये एंड i++, ठीक है, और इसमें आते हैं, ठीक है. अब हम लोग क्या आता है कि हम लोग यहाँ पर बिट्स फाइनल, मतलब किसी भी नंबर का बाइनरी में डिपेंड करने के लिए हम लोग पास एक इनबिल्ट फंक्शन भी है. ये हम लोग छोटी मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, राइट? आप यहाँ लिख सकते हैं कि इज बाइनरी, इज बाइनरी, इज बाइनरी, इज बाइनरी, आप लिख कर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं नंबर, आप आई को, अगर आई इक्वल इक्वल हो गया के का, तो आप यहाँ पर मैथड कॉल कर सकते हैं प्राइवेट बना के, प्राइवेट, राइट, प्राइवेट करके यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप मानो. और या तो यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन आता है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक मेथड है, आप गूगल में जाइए, मैं सर्च कर रख चुका हूँ ऑलरेडी, आपको टाइम ना लगे, तो आप जैसे यहाँ इसको हम कॉपी करेंगे, इसको इस लाइन को, ठीक है, दिस इज, जस्ट कॉपी दिस एंड गो हेयर एंड दिस इज, ठीक है. और अगर हम लोग इसको यहाँ टाके में इसमें आई पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, नाउ जस्ट सिंपली आई पास करते हैं और इधर के इक्वल टू के कर देता रहा हूँ, ठीक है. और अगर ये हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना इसमें हम लोग अपना नम्स ऑफ आई, जो भी इंडेक्स का वैल्यू, जो भी इंडेक्स का वैल्यू अगर वो सेट बिट में आ रहा है, मतलब जितना के बराबर अगर हो रहा है, अगर जैसे इंडेक्स का 1 है तो 1 में कितना बिट होता है 1, और अगर के भी 1 है, तो अगर दोनों मैच करें कंडीशन, तो उसमें हम उस एलिमेंट को सम कर दे. मतलब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि मेरा अगर 1 है तो इंडेक्स 1 पे क्या है 10, तो उसमें 10 को ले लूंगा, जो सेट उसका बिट में, उसका जो बिट बाइनरी बाइनरी जो है उसका सेट में आ रहा है, उसका बिट्स, ये हो गया. एट द लास्ट सिंपल में क्या करूंगा, बस रिटर्न कर दूंगा, सिंपल में रन कर दूंगा रिजल्ट का. नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स सी कि रन कर भी रहा कि नहीं कर रहा. तो आप देख सकते हैं यहाँ 13 था, यहाँ एग्जाम्पल में 13 था, ठीक है, 38. अभी हम लोग कॉन्टेस्ट दे रहे हैं वर्चुअली, तो इसलिए एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है. हमने सबमिट करते हैं, देखते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ठीक है, या सो आप देख सकते हैं गॉट एक्सेप्टेड ऑन द लीड कोड, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला हो चुका है, और नाउ लेट्स गो एंड सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हैप्पी स्टूडेंट, ठीक है, अब ये कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में क्या हुआ कि यू आर गिवन जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नाम्स ऑफ लेंथ एन, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक एरे है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर जो एरे का साइज होगा, एंड द क्लास टीचर ट्राई टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सो दैट ऑल स्टूडेंट रिमेन हैप्पी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि द हाईएस्ट स्टूडेंट विल बिकम हैप्पी इफ वन ऑफ दोस टू कंडीशन मैट, मींस द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, पहला कंडीशन क्या है, द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नम से पाई, एंड द स्टूडेंट हम तब हम लोग स्टूडेंट को सिलेक्ट ना करेंगे जब उसका स्ट्रिक्टली जो टोटल नंबर जो स्टूडेंट जो उसका स्टूडेंट होगा वो लेस देन स्ट्रिक्टली इससे होगा नम से पाई, राइट। उस कंडीशन हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, राइट। रिटर्न क्या करें, रिटर्न द नंबर ऑफ वी टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सो दैट एवरीवन रिमेंस हैप्पी, मतलब हम लोग का एक ग्रुप हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग उसका पूरा पॉसिबल वे हम लोग रिटर्न करना है, कितना पॉसिबल वे से हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक कर सकते हैं एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ जो पहला जो है, यहाँ पर हम लोग पहला एग्जाम्पल जिसमें हम लोग दो स्टूडेंट है वन एंड वन का, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर मैं एक स्टूडेंट को सिलेक्ट एक स्टूडेंट का मैं ग्रुप बनाता हूँ, तो अगर मैं दूसरा बनाना चाहूंगा तो वो दूसरा अनहैप्पी हो जाएगा, ठीक है, उसको क्योंकि वो नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हम दोनों स्टूडेंट को मैं सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर इतना क्लियर है, तो सिंपल हो ये कि हम लोग उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका, अगर मान लो कि ये नाम ये लाइन पढ़ते हैं, लाइन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पर है जिसको हम लोग ब्लू मार्क कर रहे हैं कि स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एंड द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नंबर ऑफ आई, अगर वो आ रहा है तब हम उसमें सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग सिंपल से कोड लिख लेते हैं, ठीक है, कोड समझ लेते हैं, सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है नहीं, बस सिंपल यहाँ पर क्या है कि ये जो हम लोग यहाँ पर है हम लोग की ग्रीडी अप्लाई करना है, ग्रीडी क्यों करना कि हम लोग को हमेशा क्या करना, तब हम स्टूडेंट ग्रुप बनाएंगे जब उससे बड़ा अगला जो बड़ा होगा जो मतलब टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होगा उससे बड़ा होगा स्ट्रिक्टली नंबर ऑफ आई से, ठीक है। तो इसलिए मैम क्या करें ग्रीडी पर लगा लेंगे सिंपल, ठीक है। ग्रीडी क्यों लगा रहे हैं कि बस यहाँ पर ग्रीडी क्यों क्या होता है, पहले शॉर्ट कर लेते हैं इसको, नम्स सिंपल से शॉर्ट कर लेते हैं, बिगिन बिगिन नम्स एंड नम्स, ओके शॉर्ट कर लिए बिगिन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग दो बनाते हैं, पहले हम लोग साइज निकाल लेते हैं इसका, एरे का साइज मतलब वही नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल रहे हैं, साइज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, तो जो भी एन हो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, ठीक है। और एक बनाते हैं सिलेक्टेड नाम का, सेलेक्टेड, ठीक है, कि मैं कितना स्टूडेंट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे मेरा होगा रिजल्ट बना लेता हूँ जो कि मेरा ये बताएगा टोटल पॉसिबल भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक लूप ट्रेवर्स करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को, ठीक है, इन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करें, एवरी टाइम मुझे स्टूडेंट सिलेक्ट करें, जब भी मैं एरे में आगे जाऊंगा, मतलब अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दिस विल आई नीड टू कॉपी दिस, ठीक है, कॉपी दिस, लेट मी जस्ट पेस्ट इट हेयर। तो इसमें क्या होगा, जब भी मैं स्टूडेंट को आगे जा रहा हूँ सिलेक्ट करने, तो मैं यहाँ पे इसको काउंट करूंगा, मतलब क्या करूंगा कि यहाँ पे सिलेक्टेड एक एक को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्टेड प्लस प्लस, ठीक है, ये कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा कि जब भी मेरा स्टूडेंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब जब आगे जाऊंगा सिलेक्ट करने, तो उससे क्या बोला होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर होगा सिलेक्टेड सिलेक्टेड ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई, अगर ये कंडीशन रीच करता है, ठीक है, ये रीच करता है तो उसके बाद में सिलेक्ट करूंगा नीचे आऊंगा, इफ अगर ये हो गया तो अभी अब जब मैं आगे जाऊंगा सिलेक्ट करने, तो अगला जब मैं जो स्टूडेंट जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो बड़ा होना चाहिए स्ट्रिक्टली, है ना। तो ये देख लेते हैं सिलेक्टेड नम्स ऑफ सिलेक्टेड नम्स ऑफ आई, ठीक है, आई प्लस वन, क्योंकि आगे देख रहे ना अगला, मैं तो एक आगे नेक्स्ट वन पर है तो नेक्स्ट टू पर देखेंगे, है ना, उस केस में। तो उस केस में अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट को, तो यहाँ पर मैं अपना रिजल्ट को कर दूंगा प्लस प्लस, ठीक है। मैं बढ़ा में एक ग्रुप क्रिएट कर चुका हूँ, मतलब एक पॉसिबल बेस्ट में कर चुका हूँ। अगर एक कंडीशन होगा कि एल से अगर ये हिट करता रहा आई प्लस वन, अगर ये पहुंच जा रहा है एंड तक, तो उस केस में मैं एक ग्रुप क्रिएट कर चुका हूँ, तो इस केस में भी ये कर लूंगा, राइट। और एक कंडीशन यहाँ पर याद देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे हैंडल करना पड़ेगा कॉर्नर गेस्ट आई प्लस एन, बेसिकली ये कर सकता हूँ वन प्लस आई प्लस वन, है ना, एन, ठीक है। तो अगर ये रिस्क नहीं करना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, इस केस में अगर हो गया तो हम लोग ये मतलब एक कॉर्नर केस है, मतलब एज केस है। और एक केस यहाँ पर और हैंडल कर सकते हैं हम लोग कि इफ अगर स्टार्टिंग में कुछ ना हो, मतलब अगर स्टार्टिंग में नाम अगर स्टार्टिंग में जीरो का जो वैल्यू वहां पर जीरो ना हो कुछ और हो, ठीक है, तो उस केस में भी मेरा एक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर साइन प्लस उन कर, सिंपल, ठीक है, सिंपल। अब ये हो गया, अब नाउ एट द लास्ट हम लोग सिंपल क्या करेंगे, नाउ लेट्स रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, और नाउ लेट्स रन दिस कोड, फिनिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टू एंड टू आ रहा है, यहाँ पर टू आ रहा है, एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड एंड लेट्स सी दैट इट गॉट एक्सेप्टेड या नॉट।
Yeah, we can see that it got accepted. So this is the approach you can see here. The simple है, greedy approach apply थे, greedy approach apply किया यहाँ पर simple. और examples आप जैसे समझ सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी doubt अगर अभी भी है इस दोनों questions का weekly contest में, तो feel free to ask in comment section. We will reach there and our जो भी queries, so please do.